हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में क्या खास है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम्स लिखा हुआ है, इनकी प्राइस लिखी हुई है यूनिट, और यहां पर हमें टोटल करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्राइस है इसका फॉर्मेट बदल देते हैं। इसका फॉर्मेट हम जैसे कि करेंसी फॉर्मेट बना देते हैं, इसको रुपीस के फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो यहां से फॉर्मेट पे जाएंगे, यहां पर आपको नंबर दिखाई पड़ेगा, नीचे आएंगे इंडियन रुपीस, ये मिल जाएगा आपको, बस इंडियन रुपीस पर कर दीजिए क्लिक, हो गया काम। यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है टोटल का, इसे भी हम इंडियन रुपीज ही रखेंगे। तो वापस से फॉर्मेट पर जाकर के, नंबर पर जाकर के, पहले ही इसे हम इंडियन रुपीज के फॉर्मेट पे बदल लेते हैं। अब यहाँ पर हमें टोटल करना है, तो टोटल जैसे कि आप जानते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे हम। इज इक्वल टू लगाने के बाद ये देखिए, ये अपने आप सेलेक्ट कर लिया, यानी कि पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे मैनुअली और फिर इंटू का साइन लगाएंगे, और इंटू का साइन लगाने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो यही सेलेक्ट कर दिया है, खुद ही सेलेक्ट कर दिया है इसने। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे डबल क्लिक, तो सबका आ जाएगा। तो ये तो आ गया, लेकिन अगर हम इस पर फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए इस पर हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, ये देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने अप्लाई कर दिया फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आप फिल्टर भी कर पाएंगे, लाइक आपको जिस हिसाब से फिल्टर करना हो उसके हिसाब से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए लैपटॉप नहीं चाहिए, कीबोर्ड नहीं चाहिए, केवल इन्हीं का हमें टोटल चाहिए। तो यहाँ पर अब हमको अगर टोटल करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम टोटल कर देते हैं, तो इज इक्वल टू सम लगा करके टोटल कर देते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो ये देखिए, ये टोटल आ गया है। लेकिन अगर हम यहाँ से फिल्टर चेंज करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर हम अगर कीबोर्ड को भी इंक्लूड कर देते हैं तो इस टोटल पर कोई असर नहीं पड़ता है। लैपटॉप को भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 288,200 ही ये रह रहा है, ठीक है, जबकि इसका टोटल भी चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ये इतना ही रह रहा है। फिर देखिए, फिर मैं इसको यहाँ से फिल्टर हूँ, जैसे लाइक चेयर हटा देता हूँ, ये चेयर मैंने हटा दिया, और यहाँ से डेस्कटॉप हटा देता हूँ, ये दो चीज़ें मैंने हटा दी। अब यहाँ से ओके कर देता हूँ नीचे आकर के, तो भी देखिए 288,200 ही ये रह रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सब टोटल का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, यूज करेंगे तो देखिए कैसे, सब टोटल इज इक्वल टू सब टोटल, तो हमें सब टोटल करना है। अब इसमें एक कोड होता है पर्टिकुलर, जैसे आपको ऐड करना है तो 9 कोड होता है इसके लिए, तो कॉमा दे दीजिए 9 लिख करके, और 9 लिख करके कॉमा देने के बाद इसको यहां से पूरा रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो ये आपको ऐड करके दे देगा इन सबको, ठीक है। अब इसको मैनुअली भी मैं ऐड करके दिखाता हूं, अभी आपको 86,700 रुपए हो रहा है। अगर हम सम का फॉर्मूला लगा करके इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए सम का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर इसको ड्रैग करवा लेता हूँ यहाँ तक, तो आंसर क्या आएगा आपका, 86,700 आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो फिर मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं सब टोटल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सब टोटल को यूज करने के पीछे रीजन है, यहाँ पर हमने फिल्टर यूज किया है। तो अगर हम यहाँ से इसको फिल्टर कर लेते हैं, लाइक 200 नहीं चाहिए, 300 नहीं चाहिए, इन दोनों को हम हटा देते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये दोनों चीजें हमें नहीं चाहिए, तो बस यहाँ से ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि जब हम इन दोनों को हटा देंगे तो ये रिजल्ट अपने आप चेंज हो रहा है। इसके पहले क्या था, ये देखिए, इसके पहले ये था 86,700, और इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, इसके बाद 86,200 हो गया, देख रहे हैं। जबकि आप अगर सम फॉर्मूला यूज करते तो ऐसा नहीं होता, देखिए मैं सम फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूं। अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे सम फॉर्मूला लगा देता हूं, देखिए सम फॉर्मूला रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेगा, तो ये रिजल्ट तो आ ही गया आपका, देख ही सकते हैं रिजल्ट आ रहा है आपका। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 86,700 आया है, यहां पर जैसे ही आप जाते हैं और यहां से मान लीजिए 1200 मैंने हटा दिया और यहां से जा करके और ओके कर देता हूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये ओके कर दिया, तो रिजल्ट आप देखिए 86,700 यहां बना हुआ है, ये प्रॉब्लम है। तो सब टोटल को इसीलिए यूज किया जाता है, आई होप की बात समझ में आई होगी। अब इसको आप चाहे तो ड्रैग कर सकते हैं सब टोटल लगाने के बाद, अभी नहीं बल्कि सब टोटल लगाने के बाद। तो यहां से पहले मैं सारे वैल्यूज को ले लेता हूं, एक भी वैल्यूज को हम छोड़ेंगे नहीं, पहले ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया, और सबका टोटल हम सब टोटल के थ्रू करते हैं। तो ये लिखा मैंने सब टोटल, ठीक है, सब टोटल आ गया, हमें ऐड करना है इसीलिए 9 कोड है, ठीक है। अगर आपको काउंट करना होता तो 3 कोड होता है, इसके लिए अलग अलग कोड होते हैं, आप मुझे बताइएगा, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा किसके लिए क्या कोड होता है, ठीक है। अब ये क्या करता हूं, मैं यहां से इसको सेलेक्ट करता हूं, ये पूरा हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, और अब इसको बंद करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं, तो ये देखिए 86,700 आ गया। इसी तरीके से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, फायदा हमारा है इसमें ड्रैग करने में। जैसे मान लीजिए ये कुल मिला के कितने यूनिट्स है, 358 हो गया, और यहाँ 12 हो गया, और 15 हो गया, 17 हो गया,
और 23, कुल मिला के 23 यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको हटाते हैं तो ये रिजल्ट अपने आप बदलता जाएगा। देखिए यहाँ दो हटा दिया मैंने और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे ये अपने आप 21 हो जा रहा है, लेकिन सम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।